राइट। हाँ पूछे सबसे पहले। अरे सर आप यहाँ पर है, क्या बात है, कैसे हैं सर, खैरियत? बहुत ही अच्छा, बताइए। मैं एकदम जिंदाबाद सर, नारे लगाई मेरे नाम पर। अच्छा सेंटर लुक नहीं, मैं इनसे देख के बात करूँगा, चलेगा? तो इनको सेंटर में खड़ा करो। अच्छा ठीक है, विल लुक एट द सेंटर, चलिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के रात के समय, मतलब इतने कलरफुल और गेंदे के फूल जैसे चेहरा आपका। गेंदे का फूल, गेंदे का फूल। गुलाब का कहे तो समझ में आता है, लाल सांड कहे तो समझ में आता है, गेंदे का फूल मतलब आपने हमें क्या इज्जत दी है। वैसे चेक रहे हैं, वेरी नाइस। हाँ रात में और इस तरह से चेक रहे हैं, अच्छी बात है। इस बिकॉज यार हम ये जो मूवी है ना, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, इसके ये प्रीमियर तो इट हैपेंड बाय चांस, इज बिकॉज मुझे नहीं पता था कि दे वर प्लानिंग अ प्रीमियर, बट हम लोग पिछले 2 हफ्ते से इनसाइड आउट की बात कर रहे हैं और हमने कहा कि जैसे वो फिल्म रिलीज होनी है वी वॉन्ट टू वॉच इट। इज बिकॉज आई मतलब मैंने जब पहली बार इसका ट्रेलर देखा था, आई फेल इन लव विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द फिल्म एंड आई डेफिनेटली वांट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। ही लव्स वाचिंग मूवीज, आई लव वाचिंग एनिमेटेड मूवीज, करेक्ट है ना? बट आप लोगों की जोड़ी भी बहुत वैसी लगती है, मतलब एनिमेशन एनिमेटेड। हां एनिमेटेड, हां बातें भी ऐसे करते हैं एनिमेटेड तरीके से, है ना? मतलब स्क्रीन को फाड़ देते हैं जब तक सामने आते हैं, मतलब स्क्रीन पूरा ऐसा हो जाता है कि। थैंक्स थैंक्स, आई वुड लाइक टू थैंक माय मॉम, माय डैड फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हां जी, कौन सा कैरेक्टर लगता है आप लोगों की जोड़ी किस एनिमेटेड कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है? किन एनिमेटेड कैरेक्टर? मैं तो हूं पावरपफ गर्ल, अब ये नहीं पता मुझे क्या है। मैं इसको और अच्छा कैरेक्टर जी ने, मैं इसको और अच्छा कैरेक्टर देने वाला था। आपने वो टैंगल देखी है, द मूवी टैंगल, उसमें जो प्रिंसेस है, दैट्स आवर आशा नेगी, बट इसने अब खुद की झंड कर दी क्योंकि शी इज पावरपफ गर्ल, सो बी द पावरफुल पावरपफ गर्ल। नया शो खुलेगा, कितने एक्साइटेड हैं? और वो शो के बारे में बताइए कि क्या यूएसपी है और क्यों लुटेगी। यार हमारा जो नया वाला शो है स्यापा आयुष का, वो भी अगेन इट्स अ डिज्नी प्रोडक्ट और बिंदास पे आ रहा है वो शो। मैं आपको बताऊं व्हाई इज इट डिफरेंट एंड व्हाई पीपल वांट टू वॉच इट और शुड वॉच इट, इज बिकॉज़ पिछला एक पूरा सीजन हो गया ये है आशिकी का, हमने तकरीबन 100 कहानियाँ लोगों तक पहुँचाई। we've spoken to them about the love stories। स्यापा इश्क का दिस सीजन इज डिफरेंट, इज बिकॉज हमारी लाइफ में भी बहुत सारे स्यापे। मैं मतलब क्यों देखेंगे लोग, क्योंकि इसके पिछले सीजन में हमारी लव स्टोरी आई थी। नहीं मैं इसका क्रक्स आपको बता रहा हूँ कि यार हर किसी के रिलेशनशिप में बहुत सारे स्यापे होते हैं। हमारे रिलेशनशिप में अभी एक स्यापा हुआ, अभी छोड़ देते हैं स्यापा। ये बोल रहा था कि मेरे मेकअप कर। यार मैंने कहा कि मैं जिम से आ रहा हूँ, मैं थका आ रहा पसीने में, तो हम जाएंगे ऐसे लोगों के सामने तो थोड़ा मेकअप होना चाहिए ना, ऐसे लगा दे मुझे थोड़ा सा, तो ना 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 खुद ही के लिपस्टिक में लगाई हुई, खुद के काजल लगाई जा रही, मतलब कम से कम 25-30 मिनट का मैं खड़ा, मतलब तुमने मेरे साथ कुछ नहीं करना तुम्हें, मतलब मेरा मेकअप की कोई जरूरत नहीं। मुझे बोला आई एम गोना हेट यू फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ, तुमने मुझे आज मेकअप नहीं किया, बट इन एनी केस थैंक्स टू रिद्धि डोगरा, क्योंकि वो आई टू माय रेस्क्यू और उन्होंने फिर मेरा मेकअप किया गाड़ी में।